गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड योर मैम इज ऑल्सो फाइन. थॉट ऑफ द डे, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई. मीनिंग उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं जो कोशिश करेगा. इसी तरह आप लोग के लिए भी असंभव नहीं है. अगर आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, अच्छे से मम्मी पापा अच्छे से सबका कहना मानेंगे, तो आप भी बहुत ही अच्छे गुड बन जाएंगे. और आज जब अच्छे से लर्न करेंगे तो आप क्लास में फर्स्ट रैंक पर आएंगे और आपको सब बहुत अच्छे से प्यार करेंगे. ठीक है, आप स्कूल भी टॉप कर सकते हैं. इसलिए आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए. ठीक है, जब कोशिश करेंगे तभी तो आप पढ़ सकेंगे, तभी तो आप लर्न कर सकेंगे. अगर आप पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे या लर्न करने की, तो आप कर ही नहीं सकते. इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हमेशा अच्छे करने की कोशिश करते रहना चाहिए. और सभी का कहना भी मानना चाहिए. मम्मी पापा हों, टीचर्स हों आपकी, आपके छोटे भाई बहन हों, दादा दादी हों, आपको सबकी हेल्प भी करनी चाहिए, है ना? आप तो गुड हो, आप सभी गुड स्टूडेंट हो, इसलिए आप लोग मम्मी पापा की हेल्प किया करिए, दादा दादी की, छोटे भाई बहन है जिनकी, उनको प्यार किया करिए. ठीक है, अच्छे से वर्क किया करिए आप लोग. ओके, टुडे आई टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट. दिस इज योर इंग्लिश बुक. ओपन योर इंग्लिश बुक. आपको अभी तक लेसन 13 तक रीड कराया गया एंड राइट कराया गया. ओके, अब मैं आपको फिर से इसका रिवीजन कराऊंगी. ओके, लेसन 1 से आपको लेसन 13 तक, बाकी का इसका मैं आपको बाद में रिवीजन के बाद में स्टार्ट करूंगी. ठीक है, तो इसलिए चलिए नाउ स्टार्ट रिवीजन टाइम. ओके, आपका जो फर्स्ट लेसन था वो क्या था, आपको तो याद होगा ना, अल्फाबेट प्रैक्टिस. आपको तो पता ही है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26. 5 क्या होते हैं, 5 जो होते हैं हमारे वॉवल्स होते हैं. बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट. वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये भी आपको मालूम है. बाकी जो बचेंगे वो कॉन्सोनेंट है हमारे, है ना? आपको मैंने ये न्यू तरीके से पढ़ाया था ना, फिर उसी तरीके से मैं आपको रिपीट करूंगी ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ए, ए से ए, एस से एप्पल, एप्पल मीन्स सेब. बी, बी से ब, ब से बॉल, बॉल मीन्स गेंद. सी से क, क से कैट, कैट मीन्स बिल्ली. डी से ड, ड से डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता. ई से ए, ए से एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी. एफ से फ, फ से फिश, फिश मीन्स मछली. जी से ग, ग से गोट, गोट मीन्स बकरी. एस से ह, ह से हैन, हैन मीन्स मुर्गी. आई से ई, ई से आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम. जे से ज, ज से जग, जग मीन्स जग. के से क, क से काइट, काइट मीन्स पतंग. एल से ल, ल से लॉयन, लॉयन मीन्स शेर. किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर को क्या बोलते हैं, जंगल का राजा. जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट. एम से मा, मा से मून, मून मीन्स चंदा मामा. एन से ना, ना से नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स घोंसला. ओ से आओ, ओ से ओ, ओ से ओ भी होता है और ओ से ओ भी होता. ओ से ओ, ओ से आओ, ओ से क्या होता है, ऑरेंज, और ओ से आउल. ओ से ओ, ओ से आउल, आउल मीन्स उल्लू.
पी से प, प से पैरट, पैरट मीन्स तोता। क्यू से क्यों, क्यों मिस रान, क्यों से क्यों, क्यों से क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। आर से र, र से रोज, रोज मीन्स गुलाब, गुलाब का फूल ही तो है। एस से सा, सा से सन, सन मीन्स सूरज। टी से टा, टा से टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर। यू से अ, अ से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। वी से व, व से वल्चर, वल्चर मीन्स गिद्ध। डब्ल्यू से व, व से वॉच, वॉच मीन्स घड़ी। एक्स से एक्स, एक्स से एक्समस ट्री, एक्समस ट्री मीन्स एक्समस ट्री। वाई से य, या से याक, याक मीन्स पहाड़ी बैल। जेड से ज, देखिए जे से भी जा होता है बट जे के नीचे यहाँ पर पॉइंट नहीं है। जेड से जा, ये उर्दू लैंग्वेज हो गई है। जेड जा, जेड से जा, जा से जेब्रा, जेब्रा मीन्स चित्तीदार घोड़ा। आपको इस तरह से अपना फर्स्ट जो लेसन है इसको रीड करना है। ओके, नेक्स्ट अभी कॉपी में अभी आप लोग राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट, ओपन योर इंग्लिश होमवर्क कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर नेम, मेंशन HW एंड डेट 5 August 2020। ओके, लेसन वन रिवीजन। ओके, आपको रिवीजन में न्यू न्यू तरीके से और भी क्वेश्चन आंसर राइट कराएंगे। ओके, आपको इस तरह से राइट करना है कर्सिव राइटिंग में। ए टू, टी ओ टू, जेड देखिए किस तरह से मैंने राइट किया है, आपको भी इसी तरह से राइट करना है। ए एल पी एच ए बी ई टी एस, अल्फाबेट्स। आई एन इन सी यू आर एस आई वी ई, कर्सिव। डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग ए टू जेड, अल्फाबेट्स इन कर्सिव राइटिंग। ओके, देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही राइट किया है। ए, ए स्मॉल एंड कैपिटल दोनों राइट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों राइट किया है। बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, देखिए आई का ये जो है ये इस तरह से रहेगा और ये जो है इस तरह से। जे, जे, आई और जे दोनों सेम है बट आई जो है वो हमारा 3 लाइन में और जे जो है हमारा 4 लाइन में है। ओके, इसमें लाइन का रो का ध्यान रखिएगा, ठीक है। के, के, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पी, जो हमारा स्मॉल पी है ये 4th लाइन में है ना, 1 2 3 4 चारों लाइन में है ना। क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड। आप लोग बहुत ही केयरफुली राइट करेंगे, रो का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस रो में कौन सा अल्फाबेट राइट है, किस रो में कौन सा अल्फाबेट राइट है। ओके, आपको इसके साथ इसकी हिंदी भी लिखनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको रीड कराया था ना, उसी तरह से आप इसकी हिंदी भी राइट करेंगे और स्पेलिंग भी राइट करेंगे। ओके, देखिए ए से मैंने क्या आपको पढ़ाया था, ए से ए, आपको जो ये हिंदी का वर्ड लिखना है, आपको इंग्लिश की ये जो बीच वाली रो है दोनों, मतलब ये जो स्काई ब्लू है इसके बीचों बीच लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बिग बिग आपको वर्ड नहीं बनाना, जब आप ये बीच वाली रो में राइट करेंगे तो आपका वर्ड बहुत ही सुंदर लगेगा और आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी लगेगी। आपको गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड चाहिए ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। बी से मैंने आपको क्या पढ़ाया था,
आसे क्या होता है, सॉरी ए से ए, ऐसे एप्पल, स्पेलिंग ऑफ एप्पल ए डबल पी एल एंड ई, इस तरह से राइट करना एप्पल। बी से ब, बा से बॉल बी ए डबल एल बॉल। सी से क, का से कैट सी ए, आपको इस तरह से राइट करना है, ध्यान दीजिए। कर्सिव राइटिंग मैंने आपको बोला है इसलिए कर्सिव राइटिंग ही राइट करिएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। कैट। डी से ड, और देखिए वर्ड के नीचे मैं वर्ड राइट कर रही हूँ ना, इसी तरह से आप लोग भी वर्ड के नीचे वर्ड ही राइट करिएगा। डी से ड, ड से डॉग डी ओ एंड इस तरह से देखिए जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। इसी तरह से ई से ए, ए से एलिफेंट, आप लोगों ने एलिफेंट ही तो पढ़ा है, तो ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। बहुत ही स्लो राइट करिएगा तभी आप लोग की कॉपी अच्छी होगी और अच्छे से आप लोग राइट कर पाएंगे। एफ से फ, फ से फिश। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अल्फाबेट राइट किया ना, तो नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से आपको राइट करना। एफ आई एस एच फिश, फिश मीन्स मछली। जी से ग, जी ओ ए टी गोट, गोट मीन्स बकरी। एच से हाँ, देखिए एच कैसे राइट किया है, ऐसे इस तरह से, तो पहले आप लोग यहाँ पे इस तरह से एच राइट कर लेंगे, एच फिर उसके बाद ई और एन, हैन, हैन मीन्स मुर्गी। देखिए आई, आई से ई, ई से आइसक्रीम आई है ना, फिर आपको क्या राइट करना है, सी ई आइस सी आर ई ए एम आइसक्रीम। जे से ज, ज से जग, स्पेलिंग ऑफ जग, देखिए आप लोगों ने जे किस तरह से राइट किया है, इस तरह से ना, तो इस तरह से जे यू जी जग। कैसे का से काई, तो फिर आपको राइट करना के आई टी ई काई। एल से ला, ला से लॉयन, तो एल आई ओ एन लॉयन। एम से मा, मा से मून एम, आप लोग ये ध्यान रखिएगा जिस तरह से यहाँ अल्फाबेट राइट है उसी तरह से ही यहाँ पे राइट करना है, रॉन्ग नहीं करना है, डिफरेंट नहीं करना है, अलग नहीं करना है, ओके। एम डबल ओ एन, स्पेलिंग ऑफ मून। एन से ना, ना से एन ई एस टी नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स
घोंसला, उसे उसे मैंने आपको बताया था ना, ओ, और क्या होता है ओ। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों राइट करना सिखाऊँ, ओस ओ से ओ, ओ से ओ, आर ए एन जी ई ऑरेंज, और ओ से ओ डब्ल्यू एल आउल, पी से प, पासे पैरेट, पी ए डबल आर ओ टी पैरेट, पैरेट मीन्स तोता। क्यों से अदक, या पे ऊ की मात्रा, क्यों, क्यों से क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, के यू डबल ई एन क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, आर से रा, रा से रोज, स्पेलिंग ऑफ रोज आर ओ एस ई रोज, रोज मीन्स गुलाब का फूल, एस एस से सा, सा से सन, स्पेलिंग ऑफ सन एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे फिर। टी से ट, टा से टमाटो, स्पेलिंग ऑफ टमाटो टी ओ टमाटो। यू से अ, आ से अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। वी से वा से आप लोगों ने क्या रीड किया था, अभी मैंने आपको रीड कराया था ना, वल्चर, स्पेलिंग ऑफ वल्चर वी यू एल टी आर ई वल्चर, वल्चर मीन्स गिद्ध, वाई सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू से अदब ह, वह, वह से वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, स्पेलिंग ऑफ वॉच डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, वॉच मीन्स घड़ी। आई एम सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कैपिटल टी राइट कर दिया था, मैंने उसको इरेज किया, इरेज करने के बाद मैंने यहाँ पर उसको स्मॉल टी राइट करके सही कर दिया। आप लोग स्मॉल टी राइट करिएगा। ओके, एक्स से एक्स, अदक स एक्स, एक्स से एक्स मस ट्री, इस तरह से एक्स आपको राइट करना, एक्स एम ए एस एक्स मस, फिर आपको क्या राइट करना है, ट्री टी आर डबल ई ट्री, एक्स मस ट्री मीन्स एक्स मस ट्री,
वाई से या, या से या, स्पेलिंग ऑफ या वाई ए एंड के, या याक मीन्स पहाड़ी बैल, जेड से ज, मैंने बताया ना जे से भी जा होता बट वहाँ पे पॉइंट नहीं होता जा में नीचे, और जब जेड से जा है ना, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, आप लोग भी इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, जेड से ज, जा से जेब्रा, स्पेलिंग ऑफ जेब्रा जेड ई बी आर ए, जेब्रा, जेब्रा मीन्स चित्तीदार घोड़ा। आप लोग इस तरह से देखिए राइट करिएगा, मैंने ये कुछ अलग डिफरेंट तरीके से अलग तरीके से बताया ना, इससे पहले आप लोगों ने कर्सिव राइटिंग का सिर्फ ए टू जेड राइट किया, इसकी हिंदी नहीं राइट किया था। आप लोगों को इस तरह से राइट करना है, इसकी हिंदी भी लर्न करनी है और इसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है ए टू जेड। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।